जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज फ्लिक्स में। साथियों, आज हम लोग डेली न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे और ये न्यूज़ हमने कवर की है PIB, द हिंदू, द बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर से। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। साथियों, हमारे न्यूज़ एनालिसिस का पहला सेगमेंट है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। तो साथियों, ये न्यूज़ है कोविड वैक्सीन डोजेस से रिलेटेड। तो अराउंड 220 करोड़ जो है कोविड वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर की गई है, ठीक है, 220 करोड़। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 220 करोड़ वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, फ्री टेलीमेडिसिन स्टार्टअप मोबाइल कैंप डॉक्टर ऑन व्हील्स स्टार्ट हुआ है बिलावर, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो जहाँ पे डॉक्टर व्हील्स पे रहेंगे, मतलब एक मोबाइल वैन रहेगी, डॉक्टर मेडिकल वैन रहेगी, वो कहाँ पे शुरू की गई है, बिलावर जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर बहुत वॉर जोन एरिया है ना, क्योंकि पाकिस्तान हर तरीके से कोशिश करता है कि हमें कश्मीर में ब्लीड किया जाए, ठीक है, तो हमेशा वॉर जोन रहती है, ठीक है। तो याद रखिए, बिलावर जो है वो वॉर जोन में कहाँ, मतलब कश्मीर में, और वहाँ पे क्या हुआ है, डॉक्टर ऑन व्हील्स जो है इस्टेब्लिश किया गया है या इनाग्रेट किया गया है, ठीक है। टेलीमेडिसिन स्टार्टअप है, ठीक है, टेलीमेडिसिन स्टार्टअप मोबाइल कैम्प, ठीक है। तो यहाँ पर दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है बस, इसके अलावा आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, और ज़्यादा कुछ इसमें याद रखने लायक नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि कोविड की जो डोजेज हैं वो 220 करोड़ एडमिनिस्टर की गई हैं, और फ्री टेलीमेडिसिन स्टार्टअप मोबाइल कैंप डॉक्टर ऑन व्हील्स कहाँ है, डॉक्टर ऑन व्हील्स जो है वॉर जोन में है, और वॉर जोन कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। डॉक्टर ऑन व्हील्स कहाँ है, बिला वॉर में है, और वॉर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये छोटा सा हैक पसंद आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नया वर्किंग प्लान कोड निकाला है 2023, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है या किस मिनिस्ट्री का प्लान है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ रिलीज नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इवॉल्विंग न्यू अप्रोचेस, ठीक है। तो किसने निकाला है, किसका ये इनिशिएटिव है या किसका प्लान है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ध्यान दीजिएगा, यही डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे वन लाइनर के तौर पे कि नेशनल वर्किंग प्लान कोड किस मिनिस्ट्री का प्लान है, ठीक है साथियों। और ये कब रिलीज किया गया था, ये वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट पे किया गया था, जो कि सेलिब्रेट होता है 17 जून को, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, एक पासिंग इन्फॉर्मेशन बस आपको बता देना था कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे रिसीव किया गया MSC हैमबर्ग, जो कि लॉन्गेस्ट वेसल है एवर टू कॉल एन इंडियन पोर्ट, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे कौन आया, कौन किसका अराइवल हुआ है, MSC हैमबर्ग, ठीक है, MSC हैमबर्ग। और ये कहाँ का है, ये दिस इज सेलिंग अंडर द फ्लैग ऑफ पानामा, ठीक है, पानामा जो कि कैरेबियन कंट्री है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पानामा, ठीक है। कहाँ पे आया है हैम्बर्ग, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू साहब को बर्गर बहुत पसंद था, तो याद हैम्बर्ग से बर्गर याद रखिएगा, ठीक है, बर्गर, ठीक है, बर्गर बहुत पसंद था, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे हैमबर्गर आया है, ठीक है, हैमबर्गर आया है। और ये किसके अंडर, किसके फ्लैग के अंडर ये सेल कर रहे हैं, पनामा फ्लैग के अंदर सेल कर रहे हैं, ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों गूगल से, तो गूगल इंडिया ने लॉन्च किया है ऐसा प्रोग्राम जो कि स्मॉल एंड मीडियम लोकल न्यूज़पेपर्स को थोड़ा सा एम्पावर करेगा और उनको बताएगा कि कैसे सब डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग करके वो लोग अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो गूगल ने लॉन्च किया है इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज लोकल न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, ठीक है। दिस प्रोग्राम विल सपोर्ट 8 इंग्लिश एंड 8 इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, एक तो इंग्लिश और फिर 8, तो ध्यान दीजिएगा, ई से इंग्लिश और ई से ही 8, ठीक है, 18 नहीं, ठीक है, सारी भाषाएं फिर तो हो जाएंगी ऑलमोस्ट, ठीक है, बहुत कम लैंग्वेज, मतलब 8 इंडियन लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी छोटे छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, किसने ऑर्गेनाइज किया है, गूगल ने, ठीक है, ठीक है। इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम किसका है, गूगल का है, तो याद रखिएगा IG, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम, आई से इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम और जी से गूगल, ठीक है, गूगल। और ये कितनी लैंग्वेजेस में होगा, ये 8 लैंग्वेजेस में होगा प्लस इंग्लिश,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही तीन चार डायमेंशन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव ट्रेनिंग नेटवर्क इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 2018 इन पार्टनरशिप विद डेटा लीड्स। द इनिशिएटिव हैज़ ट्रेंड ओवर 54,000 जर्नलिस्ट एंड स्टूडेंट्स इन मोर देन 15 लैंग्वेजेस। लास्ट ईयर गूगल अनाउंस दैट इट विल लॉन्च अ फैक्ट चेक एकेडमी टू वेरीफाई न्यूज एंड डेटा। ठीक है, तो ये जो इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम आया है ये गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव के अंदर आया है, जो कि 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ करेंट भी देख लिया, डायनेमिक भी देख लिया और अपना स्टैटिक पार्ट भी देख लिया कि गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव ट्रेनिंग जो है वो 2018 में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत ऑलमोस्ट 15,000 जर्नलिस्ट को डिजिटल स्किल्स में ट्रेन किया जा चुका है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। आई जी याद रखिएगा, आई से इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम, जी से गूगल इसको एडमिनिस्टर करेगा या गूगल इनिशिएट करेगा, स्पीयर हेड करेगा गूगल। और इसमें कितनी लैंग्वेजेज होंगी, 8 प्लस इंग्लिश डबल ई। ठीक है, जी डबल ई, ठीक है, जी डबल ई याद रखिएगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं वो छोटा सा हैक पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, आर्बिट्रेशन लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई दो पार्टीज हैं डिस्प्यूट में, ठीक है, कोई दो पार्टीज आपस में लड़ रही किसी चीज़ के लिए, तो वो क्या करेंगी, कोई ऐसे इंसान के पास जाएंगी जो न्यूट्रल हो, ठीक है, न्यूट्रल हो, ठीक है, इसके पास जाएंगी, कहेंगी आप इस डिस्प्यूट का निपटारा करिए। ठीक है, तो वो कर देगा, ठीक है, कर दिया, इनके पास डिस्प्यूट आया, इन्होंने कहा ठीक है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो बोले इन और ये जो है डी है, ठीक, डी जो है आर्बिट्रेटर है, ठीक है, आर्बिट्रेटर है डी, ठीक है, तो डी ने बोला ठीक है हमारे पास सारे क्लेम्स आए हैं और हम क्लेम्स बी, पार्टी बी का क्लेम सही मानते हैं और पार्टी ए को इनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डी ने फैसला सुनाया ये अब इनके ऊपर बाइंडिंग होगा, ठीक है, बाइंडिंग होगा, इसी को कहते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है, इसी के उल्टा मीडिएशन होता है, कि मीडिएशन क्या होता है, ए और बी डिस्प्यूट है, ये डी के पास जाते हैं और डी क्या करता है, बस रास्ता दिखाता है, सजेशन सजेस्ट करता है चीज़ों को कि आप ये ऐसे कर सकते हैं ताकि दोनों पार्टियों को फायदा हो। ठीक है, तो ये विन विन टाइप की सिचुएशन होती है मीडिएशन में, पर आर्बिट्रेशन में जो होता है वो बाइंडिंग होता है, जो डिसीजन होता है बाइंडिंग होता है, और मीडिएशन में डिसीजन जो होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है, मतलब पार्टी कर भी सकती है उसको ऑनर, नहीं भी कर सकती है, पर आर्बिट्रेशन में आपको ऑनर करना पड़ेगा जो भी डिसीजन डिलीवर हुआ है, चाहे आपके खिलाफ और चाहे आपके हित में। ठीक है, तो उसी आर्बिट्रेशन लॉ को आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 को रिफॉर्म लाने के लिए टी के विश्वनाथन कमेटी सजेस्ट की गई है। ठीक है, ये कमेटी सजेस्ट की गई है जिसके हेड होंगे जो लॉ से फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी हैं टी के विश्वनाथन साहब, उनके अंडर में ये कमेटी सेटअप की गई है। ठीक है, ये कमेटी सेटअप की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्बिट्रेशन जो है विश्व भर में चल रहा है। ठीक है, विश्व भर में आर्बिट्रेशन चल रहा है, विश्व से याद रखिएगा विश्वनाथन साहब। ठीक है, तो विश्वनाथन साहब के अंडर में ये कमेटी जो है फॉर्म की गई है, जो कि रिफॉर्म लाएगी किसमें, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1996 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, कौन इसको हेड करेगा, विश्व। ठीक है, विश्व से याद रखिएगा विश्वनाथन साहब। ठीक है, विश्वनाथन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको छोटा सा एक्ट अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने लॉन्च किया है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। ठीक है, फॉर शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस NHAI हैज़ लॉन्च नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसका इनिशिएटिव है, हाईवेज का। ठीक है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो कैसे याद रखेंगे, नॉलेज हमेशा हाई होनी चाहिए। ठीक है, हाई नॉलेज। ठीक है, हाई नॉलेज से ध्यान रखेंगे, हाई से हाईवेज। ठीक है, तो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है क्या, हाई नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये क्या करेगा, दिस इनिशिएटिव विल हेल्प अथॉरिटी टू कोलैबोरेट एक्सपर्ट्स एंड सिटीजंस हु वांट टू शेयर नॉलेज एंड इनसाइट्स रिलेटेड टू टॉपिक्स सच एज रोड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, रोड सेफ्टी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड रिलेटेड फील्ड्स। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है किसकी इनिशिएटिव है, हाई नॉलेज, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, तो हाई नॉलेज याद रखेगा, हाई से हाईवेज, हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। ठीक है साथियों, आशा करते हैं छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कुछ छोटी सी न्यूज़ है साथियों कि ऑपरेशन गंगा रिफ्लेक्ट्स इंडिया इनडोमिटेबल स्पिरिट। पीएम साहब का ट्वीट आया था कि ऑपरेशन गंगा जो है इंडिया की इनडोमिटेबल डोमिनेंट स्पिरिट को
सिग्निफाई करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन गंगा रिलेटेड है इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है। जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें जो रशिया यूक्रेन से जो इवैक्यूएशन हुआ था इंडियंस का, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद है साथियों एक व्यू कू फेस्टिवल, ठीक है, व्यू कू फेस्टिवल ऑफ टांगसा ट्राइब, ठीक है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखिएगा अरुण को टांग दिया गया, ठीक है, अरुण को टांग दिया गया वहीं पे, ठीक है, वहीं से याद रखिएगा वही कू, ठीक है, वही कू, ठीक है, अरुण को टांग दिया गया वहीं पे, ठीक है। तो अरुण से याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, टांग से टांगसा ट्राइब, और वही कू उनका फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये ANI की न्यूज है 15 जून की है, और इसी में सब अपना सेलिब्रेट करते हैं, मेकिंग द रिदम ऑफ सीजंस एंड हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। ऑपरेशन गंगा हम लोग ने देख लिया, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों BIA से रिलेटेड। तो BIA क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्या मतलब होता है स्टैंडर्ड का? एक स्टैंडर्ड सेट करना फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए हम लोग यूज़ करते हैं कोई शैम्पू यूज़ करते हैं मान लीजिए, तो उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसमें कितना कितना सामान कितने कितनी क्वांटिटी में रहेगा, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई खाना खाना है हम लोग को, जैसे आप देखते ना, अगर कोई सॉस की बोतल है या जैम की बोतल आप यूज़ करते हैं, तो उसमें पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए थे, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड सारे फॉलो करते हैं, तो उसी को स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वो बॉडी है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है, स्पेसिफिकेशन सेट करती है, ताकि क्वालिटी एनहांसमेंट मेंटेन रहे, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, स्टैंडर्ड्स ले डाउन बेंचमार्क फॉर क्वालिटी एंड एंश्योर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर ऑल कंज्यूमर्स, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का कहना है, ठीक है। अब पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में देख लेते हैं क्या है। ये इंडिया की नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर अफेयर्स में आएगी, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर लोग ही फूड और सर्विसेज और अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये काम करती है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में, ये इस्टैब्लिश हुई थी 1986 एक्ट के तहत, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 1986 विच वेंट इनटू फोर्स 1986 इस्टैब्लिश्ड, ठीक है। उसके बाद अभी रिवाइज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट आया था 2016 में आया था, और जो इफेक्ट में आया था 2017, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने हिस्ट्री देख ली, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे हम लोग रीसेंट चीज़ें देख लेते हैं जो करेंट इवेंट्स हुए हैं। तो BIS लाइसेंस मैंडेटरी फॉर 24 फुटवेयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो 24 फुटवेयर प्रोडक्ट्स के लिए BIS ने बोला है कि लाइसेंस मैंडेटरी है, ठीक है। लाइसेंस क्यों मैंडेटरी है? उनको लगता है कि कहीं क्वालिटी इंपेयरमेंट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया है कितने प्रोडक्ट्स के लिए, 24 प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और एक और डेवलपमेंट है, पब्लिक कॉल फैसिलिटी वर्चुअल इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो भी शुरू किया गया है, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हैं श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी, उन्होंने बोला है कि पब्लिक कॉल फैसिलिटी जो है वो लेटेस्ट इनिशिएटिव ऑफ BIS इज अ प्रोएक्टिव मेजर ऑफ BIS टू मेक प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मोर इंक्लूसिव, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल DGBIS ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैड इशूड जियो टेक्सटाइल्स ऑर्डर 2023 एंड प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स क्वालिटी ऑर्डर 2023 ऑन April 10, 2023। ही सेड 19 जियो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड 12 प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर बीइंग ब्रॉट अंडर कंपलसरी BIS सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो खैर इतना नहीं याद रखना आपको, खाली इतना याद रखिएगा 24 फुटवेयर प्रोडक्ट्स के लिए जो है लाइसेंस मैंडेटरी कर दिया गया है, और पब्लिक कॉल फैसिलिटी भी है, ठीक है। पब्लिक कॉल फैसिलिटी किसकी इनिशिएटिव है? तो ये BIS का इनिशिएटिव है, ठीक है, पब्लिक कॉल फैसिलिटी। यहाँ पे हम लोग ने BIS का हिस्ट्री भी देख ली, और यहाँ पे करेंट डेवलपमेंट्स भी देख लिए, ठीक है साथियों। इस तरह हमारी जो है प्रिपरेशन जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है पर दमदार होगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों मरीन लाइफ ट्रीटी से रिलेटेड। तो यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने अडॉप्ट किया है फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन हाई सीज, क्योंकि हाई सीज क्या होता है, किसी का पार्ट नहीं होता है, किसी कंट्री का पार्ट नहीं होता है, तो इसके लिए इसको बहुत ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट हैं, बायोमेडिकल वेस्ट फेंक दिए जाते हैं, इसलिए हाई सीज में जो मरीन लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने अडॉप्ट किया है ये ट्रीटी, ठीक है। मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन हाई सीज, ठीक है।
मरीन लाइफ इन हाई सीज, और ये किसके अंडर भी हुआ था, ये सिंगापुर के, सिंगापुर ने ये जो इशू है पूरा उसको प्रिसाइड किया था, ठीक है, याद करिएगा, याद रखिएगा, सिंगापुर ने इसको प्रिसाइड किया था, और सिंगापुर के एम्बेसडर ऑन ओशन इशू से रीना ली ने, ठीक है, रीना ली ने, ठीक है। तो मरीन लाइफ ट्रीटी अडॉप्ट होने पर सिंग किया गया, ठीक है, गाना गाया गया, तो याद रखिएगा सिंगापुर ने इसको प्रिसाइड किया था, ठीक है। आगे, ऑफिशियली नोन एज ट्रीटी ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, इट फॉल्स अंडर यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी है जिसको बोला जाएगा बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, किसके अंडर आता है ये, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जो कि आया था 1994 में, ठीक है। और ये जो ट्रीटी है ये ओपन होगी सिग्नेचर्स के लिए 20th सितंबर को, और जैसे ही 60 कंट्रीज इसमें रेटिफाई कर देंगे इसको, तो ये इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया है पहला मरीन लाइफ, पहली ट्रीटी फॉर प्रोटेक्टिंग मरीन लाइफ इन हाई सीज, और ये अडॉप्ट होते ही क्या किया गया, गाना गाया गया, सिंग किया गया, तो किसने प्रिसाइड किया था, सिंगापुर ने, ठीक है, सिंगापुर ने प्रिसाइड किया था। जैसे ही 60 कंट्रीज इसको रेटिफाई करेंगी ये इफेक्ट में आ जाएगी, एंड दिस कम्स अंडर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, विच केम इनटू फोर्स इन 1994, ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों अब हम लोग स्टेट्स रिलेटेड न्यूज़ कवर कर लेते हैं, जो कि बहुत ही कम, 2-3 स्लाइडें हैं, तो जल्दी जल्दी सब आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है, चलिए स्टेट्स न्यूज़ की तरफ चलते हैं। साथियों नेक्स्ट है हमारा अवार्ड सेक्शन, अब हम लोग अवार्ड सेक्शन को देख लेते हैं। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि गांधी पीस प्राइज़ को अनाउंस कर दिया गया है, तो इस बार के गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड विनर हैं गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। अगर आप यूपी में रहते होंगे तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे कि गीता प्रेस गोरखपुर जो है काफ़ी रिलीजियस सेकुलर लिटरेचर्स को भी निकालता है, ठीक है, बहुत ही मशहूर है और बहुत ही पुरानी है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार गांधी पीस प्राइज़ का अवार्ड मिला है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, जी से गांधी, जी से गीता प्रेस गोरखपुर, और जी से गोरखपुर, ठीक है। तो याद रखिएगा गांधी जी हमेशा अपने पास गीता रखते थे, भगवत गीता रखते थे, ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। गांधी पीस प्राइज़ किसको मिला है साथियों, गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है, ठीक है। तो गांधी जी अपने साथ हमेशा भगवत गीता रखते थे, गीता रखते थे, ताकि गोरों को निकाल सकें, गोरा से याद रखिएगा, गोरों को निकाल सकें, तो याद रखिएगा गोरखपुर, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर में है, ठीक है। गोरखपुर जो ईस्टर्न यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है साथियों। तो हम लोग को देख लेना है कुछ और चीज़ें, ये 2021 का अवार्ड है, ठीक है, और ये कब स्टैब्लिश किया गया था, कब इंस्टीट्यूट किया गया था, 1995 में, ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है साथियों। इसमें 1 करोड़ रुपए का साइटेशन मिलता है, प्लाक मिलता है, और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट आइटम मिलते हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, ये कब हुआ था, PEACE, इसमें 5 लेटर हैं, तो 1995 में ध्यान दीजिएगा, 95 लास्ट वाला जो बात ध्यान दीजिएगा, 95 में ये इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है। हमको याद नहीं होता था तो हमने ऐसे ही ट्रिक बना ली थी, ताकि आप हमको तो काम आए ही, आप लोग को भी काम आए, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, पीस प्राइज़ कब इस्टेब्लिश हुआ था, इंस्टीट्यूट हुआ था 1995 में, और ये 125th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की, तब ये इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, तो इसरो इसरो के जो पहले चेयरमैन थे वो रामकृष्ण मिशन था, अरे सॉरी, इसरो, रामकृष्ण मिशन, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, विवेकानंद केंद्र, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस को भी अवार्ड मिला है, ठीक है, और इंडिविजुअल्स को भी मिला है। सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद ओमान को 2019 में, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के 2020 में, तो इंडिविजुअल्स को भी मिलता है और ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिलता है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही मिलता है या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को ही मिलता है, नहीं, ये दोनों को भी मिलता है, और ये फॉरनर्स को भी दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये तो फॉरनर ही हैं, ठीक है, सुल्तान कबूस बिन अल सैद ओमान के, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये फॉरनर्स को भी मिलता है और इंडियंस को भी मिलता है, ठीक है। देखिए चांदी प्रसाद भट्ट हैं, श्री योहोई सासाकावा जापानीज़ हैं जो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो गांधी जी हमेशा क्या रखते थे अपने पास, भगवत गीता, ठीक है, गीता, क्यों, क्योंकि गोरा जो है उसको निकाला जा सके, गोरों को निकाला जा सके देश से, ठीक है, गोरा, तो गोरा से याद रखिएगा गोरखपुर, गीता से याद रखिएगा गीता प्रेस, और गांधी पीस प्राइज़ जो है ऑब्वियसली गांधी पीस प्राइज़ है, ठीक है। और इसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जो भी होते हैं, इस समय हेड किए हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये पूरा है पसंद आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, तो चलिए हम लोग इस
इसके इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे साथियों अ 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कंडक्ट की गई थी, कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? पुणे में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी। ठीक है, फोर्थ एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी। अगर आपने पहले इससे पहले परसों या कल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि फोर्थ एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप मीटिंग G20 की जो हुई है वो कंडक्ट हुई है, वो है पुणे में। उसी के एक्सटेंशन में एक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक स्कीम है साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है निपुण। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसका नाम है निपुण भारत मिशन, विच एम्फसाइजेज नीड टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कोर्स नेशनली इन अ टाइम बाउंड मैनर 26-27 तक। ठीक है, तो ये कहाँ हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी? ये पुणे में हुई थी और इससे जुड़ी हुई एक स्कीम है जो है निपुण स्कीम, हम लोग ने देख ली है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये एक बड़ा बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था जब G20 ने अडॉप्ट किया था आउटकम डॉक्यूमेंट टाइटल्ड आउटकम डॉक्यूमेंट एंड चेयर समरी। ठीक है, तो ये काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट था, इसलिए PM नरेंद्र मोदी साहब की भी इसमें अप्लॉड मिली थी, तो हम लोग देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉडेड G20 मेंबर्स फॉर देयर नोटेबल कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स मेकिंग एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप प्रोसीडिंग सक्सेसफुल एंड हिस्टोरिक विच रिजल्टेड इन वेलकमिंग ऑफ 2 की आउटकम्स इन आउटकम डॉक्यूमेंट एंड चेयर समरी। तो इसमें ये कौन कौन से 2 डॉक्यूमेंट थे? इसमें डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स एंड इंटरनेशनल मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स रिसर्च इनिशिएटिव। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 आउटकम्स आए हैं वो आउटकम डॉक्यूमेंट एंड चेयर समरी के अंदर आए हैं। कौन कौन से? डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स एंड इंटरनेशनल मिलेट्स एंड एंशियंट ग्रेन्स रिसर्च इनिशिएटिव। ठीक है, जनरल कॉन्सेंसस रीच्ड ऑन डिफरेंट इश्यूज इन G20 एग्रीकल्चर मीट। ठीक है, G20 की एग्रीकल्चर मीट में जो हुई थी अभी हैदराबाद में, जैसे हमने बताया था ना कि एग्रीकल्चर हाइड्रेटेड रहना चाहिए, एग्रीकल्चर हाइड्रेटेड रहना चाहिए, एक ट्रिक बताई थी। तो G20 की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग थी वो हैदराबाद में हुई थी, एग्रीकल्चर हाइड्रेटेड रहना चाहिए, तो हैदराबाद में मीटिंग हुई थी। इसी में अडॉप्ट किया गया था आउटकम डॉक्यूमेंट एंड चेयर समरी, जिसके अंतर्गत 2 मिशन से या 2 प्रिंसिपल्स से, एक डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स और दूसरा इंटरनेशनल मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स एंड रिसर्च इनिशिएटिव। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी कॉन्फ्रेंसेस पे। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, इंडिया मेटावर्स से रिलेटेड। तो इंडिया का मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है भारत मेटा, उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है वीवा टेक इन पेरिस। ठीक है, ये भारत मेटा किसका है? ये KIA.AI का है। ठीक है, KIA.AI जो कि इंडियन बेस्ड कंपनी है स्पेशलाइजिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा भारत मेटा किसकी टेक्नोलॉजी है? तो ये KIA.AI की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, KIA.AI टेक्नोलॉजी ईजी नेम है, आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया गया था? वीवा टेक जो कि हुआ था पेरिस में। ठीक है, पेरिस में हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पेरिस में हुआ था। ठीक है, लाइव इवेंट की न्यूज़ है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब हम लोग स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो PM साहब ने बेस्ट विशेस दी हैं इंडियन कंटिजेंट को फॉर स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। ठीक है, फॉर स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स, ये कहाँ हो रहे हैं साथियों? बर्लिन जर्मनी में हो रहे हैं। ठीक है, बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में हम लोग ने आज दो तीन चीज़ें देखी हैं जर्मनी से रिलेटेड। क्या क्या? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जर्म कब रहेंगे, जब सोलर रेज उन पर पड़ेंगी, तो इंटर सोलर यूरोप 2023 म्यूनिक जर्मनी में होगा। और मैनी क्या है? मैनी इंटेलेक्चुअल्स फॉर चिप बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, मैनी से जर्मनी, इंटेलेक्चुअल से इंटेल कंपनी जो है, और उन्होंने पार्टनरशिप किया है, MOU साइन किया है फॉर चिप बेस्ड डेवलपमेंट। ठीक है साथियों, तो हम लोग का जर्मनी यहाँ से पहले क्लियर हो गया। और स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स जो हो रहे हैं वो भी बर्लिन में हो रहे हैं। ठीक है, इसमें 16 डिसिप्लिनस या 16 स्पोर्ट्स कैटेगरी में स्पोर्ट्स खेला जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक दो दिन पहले का वीडियो देखा होगा हमारा, तो उसमें सारी चीज़ें कवर है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, इंडोनेशियन ओपन को लेकर। तो इंडोनेशियन ओपन जो है ये बैडमिंटन चैम्पियनशिप है। ठीक है, बैडमिंटन चैम्पियनशिप है, और इसमें फाइनल्स में डबल्स जीतने वाले जो हैं वो है इंडियन खिलाड़ी सात्विक साईराज रेड्डी, SI रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मेंस डबल जीता है। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं मेन सिंगल्स। मेन सिंगल्स विक्टर एक्सेलसन ने हराया है किसको, एंथोनी सिनिसुका गेंटिंग को। ठीक है, विक्टर एक्सेलसन ने हराया है किसको, एंटनी सिनिसुका गेंटिंग को। और यहाँ मेन्स डबल्स में देखिए सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने किसको हराया है, एरॉन शिया और सो वू यिक। ठीक है, किसको हराया है, एरॉन और सो वुल यिक को। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, शायद 2021 की EPFO में ये पूछ लिया गया था कि मिक्स डबल्स में किसको हराया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एरन शिया और सोहुल ईक को। ठीक है साथियों, और वेमेंस में साथियों अकीना यामागुची ने हराया है आंसी यांग को। ठीक है, अकाने यामागुची ने आंसी यांग को। ठीक है, और वेमेन डबल्स में किस कौन कौन है, बाइक हैना और ली सोही ने यूकू फुकुशिमा और सयाका हिरोता को हराया है। ठीक है, और मिक्स डबल्स में जैंग सिवेई और यांग योगयांग ने यूटा वाटानबी को और अरीसा हीगा शीनो को हराया है। ठीक है, नाम थोड़े से वियर्ड हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पर ये आपको मेनली याद रखना है कि रेड्डी और शेट्टी ने किसको हराया है, एरॉन और वूल को। ठीक है, एरॉन और वूल को। ठीक है, आरू वारू को हराया। ठीक है, आरू वारू। ठीक है, आरू ये वारू ये। ठीक है, आरू वारू को हराया, बस ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा नाम्स में। ठीक है, नेम्स में आप आराम से डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम लोग बैंकिंग सेगमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और सारी न्यूज़ जल्दी जल्दी ट्रिक के माध्यम से और कुछ कंसेप्ट के माध्यम से जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यूज है साथियों, इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से रिलेटेड। तो ESI स्कीम जो है, इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उन्होंने ESI स्कीम ने कवर किए हैं 17.88 लाख न्यू वर्कर्स अंडर ESI स्कीम इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। ठीक है, अभी ये 19 जून PIB का डेटा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि 17.88 लाख न्यू वर्कर्स ऐड किए गए हैं अंडर ESI स्कीम। अगर आप EPFO का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ही ये तो एकदम रट के जाइएगा। ठीक है, द प्रोविजनल पेरोल डेटा ऑफ ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन रिव्यूज दैट 17.88 लाख न्यू एम्प्लॉयज हैव बीन एडेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। अराउंड 30,000 न्यू एस्टैब्लिशमेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड एंड ब्रॉट अंडर सोशल सिक्योरिटी अम्ब्रेला ऑफ ESIC 2023। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो यंग एम्प्लॉयज़ हैं अप टू एज ऑफ 25 ईयर्स। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ठीक। और ये भी देख लीजिएगा, बेनिफिट्स ऑफ ESI स्कीम एक्सटेंडेड टू 63 ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ इन अप्रैल 2023। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 17.88 लाख न्यू वर्कर्स एडेड अंडर ESI स्कीम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड। तो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 रजिस्टर्स अ ग्रोथ ऑफ 12.73%। ठीक है, 12.73%, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, डायरेक्ट डेटा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना ग्रो किया है इस बार, तो 12.73, और नेट तो थोड़ा कम ही होगा क्योंकि नेट ग्रॉस को हटा के ही नेट होता है, तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है, 11.18। ठीक है, तो 11-12 बस ऐसी फिगर याद रखिएगा, नेट 11 है और ग्रॉस 12 है। ठीक है, और एडवांस टैक्स कलेक्शन जो है वो 13.7% की ग्रोथ रजिस्टर किया। ठीक है, तो एडवांस 13, ग्रॉस 12, नेट 11। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, एडवांस 13, ग्रॉस 12 और नेट 11। ठीक है, तो 11-12-13 भी याद कर सकते हैं, 11 नेट 12 ग्रॉस, तो ऐसे याद रखिएगा NGA। ठीक है, नेट 11 ग्रॉस 12 एडवांस 13। ठीक है, ऐसे NGA से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें एब्सोल्यूट फिगर्स दिए हुए हैं, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, पर जो है परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जनरली एब्सोल्यूट फिगर्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो नहीं पूछा जा सकता है, खैर भरोसा नहीं है, पूछ भी सकते हैं, तो इसलिए आप एक बार इसको खुद से रीड कर लीजिएगा। पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण घटना है या महत्वपूर्ण डेटा है आपके लिए, वो यही है जो हम लोग ने ऐसे देख लिया, नेट का 11%, जी का ग्रॉस का 12% और ए का, ए मतलब एवरेज टैक्स कलेक्शन, एडवांस टैक्स कलेक्शन का 13.7%। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। रिफंड जो है वो भी है, वो 39,578 करोड़ रिफंड किया गया है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा, हो सकता है कभी कहीं पूछ लिया जाए, अभी RRBPO में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों ईपीएफओ से रिलेटेड। अभी हम लोग ने ईएसआई स्कीम का डेटा देखा था तो वो भी अराउंड इतना ही था, 17.88 लाख और 17.20 लाख नेट मेंबर्स ड्यूरिंग मंथ ऑफ अप्रैल ईपीएफओ ने ऐड किया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ऐड किया है कितना 7.20 लाख और ईएसआईसी ने हम लोग ने देखा था कि 17.88 लाख मेंबर्स उसमें एनरोल्ड हुए हैं। ठीक है, मेजॉरिटी के मेंबर्स कौन कौन से थे, वही 25 ईयर्स वाले थे। ठीक है साथियों, तो ये दोनों ही चीज़ें लिंक हो गई आपस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है साथियों, देख लेते हैं, दो तीन स्लाइड्स और हैं बस। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह इनॉग्रेट्स क्रेडाई गार्डन पार्क इन अहमदाबाद। ठीक है, तो इसलिए लिया गया है कि क्रेडाई गार्डन पार्क कहाँ है, अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में क्या है, क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क। ठीक है, क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, ओमिक्रॉन स्पेसिफिक एमआरएनए बेस्ड बूस्टर वैक्सीन डेवलप हो चुकी है इंडिजिनियसली। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है कि ओमिक्रॉन स्पेसिफिक, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है ना कोरोना का, बेस्ड माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए बेस्ड बूस्टर वैक्सीन डेवलप्ड यूजिंग इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी बाय जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, तो किसने बनाया है, जिनोवा बार्मो बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने क्या बनाया है, ओमिक्रॉन स्पेसिफिक एमआरएनए बेस्ड बूस्टर वैक्सीन। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा क्या बनाया है, ओमिक्रॉन स्पेसिफिक एमआरएनए बेस्ड बूस्टर वैक्सीन किसने बनाया है, जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा बस गो याद रखिएगा। ठीक है, गो ओमिक्रॉन, ओ से ओमिक्रॉन और जी से जिनोवा। ठीक है, और कोई बड़ी कंपनी नहीं है जी से जो कि फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में काम कर रही हो। ठीक है, ऑब्वियसली होंगी सही, पर यहाँ पे आपको याद रखना है जिनोवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, यहाँ पे एशिया की लार्जेस्ट इंटरनेट सैटेलाइट इंडोनेशिया की सात्रिया वन लॉन्च की गई है और इसको किसने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने। ठीक है, ये हैवीएस्ट रॉकेट है शायद। ठीक है, अगर हम गलत बता रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो इंडोनेशिया का सैत्रिया वन सैटेलाइट जो है वो एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल सैटेलाइट है और इसको किसने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने अपने फैल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, निक्सी से रिलेटेड। तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज जो है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज जो है निक्सी, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के 20 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 20 साल पूरे हो चुके हैं, एक बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कभी कभी, निक्सी कितनी हो गई, निक्सी 20 साल की हो गई है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, निक्सी 20 साल की हो गई, निक्सी का टीनेज खत्म हो गया, वो 20 साल की हो गई है कि। ठीक है, तो निक्सी कब फॉर्म हुई थी, निक्सी फॉर्म हुई थी 2003 में। ठीक है, निक्सी का काम क्या है साथियों, ये आईपी सेट करते हैं, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल सेटअप करते हैं, बस इतना सा काम है। ठीक है, डेटा सेंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइज होता है अंडर निक्सी सीएससी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब हम लोग डिफेंस की न्यूज़ देख लेते हैं। साथियों, अभी डिफेंस डायलॉग हुआ था रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, जिसमें इंडिया ने गिफ्ट किया था इंडिजिनसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वे आईएनएस किरपान। ठीक है, आईएनएस किरपान गिफ्ट किया गया था किसको, वियतनाम को, टू एनहांस इट्स नेवल कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है आईएनएस किरपान किसको गिफ्ट किया गया है, वियतनाम को। ठीक है, तो याद रखिएगा कीवी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ने कीवी गिफ्ट किया है। ठीक है, कीवी गिफ्ट किया है। ठीक है, के आई से याद रखिएगा किरपान और वी आई से याद रखिएगा वियतनाम। ठीक है साथियों, बस इतना याद रखना है और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपको होल्ड करनी है अपने दिमाग में। ठीक है, तो डिफेंस ने क्या गिफ्ट किया है, कीवी, के आई से किरपान और वी आई से वियतनाम। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, डिफेंस एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2023 से रिलेटेड। तो ये कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, ये मंगोलिया में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, आप हमको कॉमेंट सेक्शन में मंगोलिया की राजधानी या कैपिटल का नाम बताइए। ठीक है, तो साथियों एक्स खान क्वेस्ट जो है ये डिफेंस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट ये कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी, ये मंगोलिया में कंडक्ट की जाएगी। तो आप बस इतना याद रखें कि खान जो है, खान है वो गोली चलाता है। ठीक है, खान है, ठीक है, किंग खान या कोई भी खान, सलमान खान, आमिर खान, कोई भी खान है वो गोली चलाता है। ठीक है, गोली से याद रखिए, गोलिया मतलब मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया। ठीक है, ऐसे आप दिमाग लगा लीजिएगा, वहाँ पर आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप
काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको याद ही हो गया, आपको ये ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी खुद की मेहनत ही आपके काम आनी है। ठीक है, तो खान क्या करता है, गोली चलाता है, गोली मतलब मंगोलिया। ठीक है, तो ये मंगोलिया में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों ये एक पासिंग न्यूज़ है, बस एक बार रीड कर लीजिएगा। तो पीएम मोदी ने कोलैबोरेट किया है विद इंडियन अमेरिकन ग्रैमी विनर फालू फॉर स्पेशल सॉन्ग ऑन मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स आप जान रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको श्री अन्न भी कहा गया है। ठीक है, इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन खोला गया है मीरा के नाम से हैदराबाद में, है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, तो अबंडेंस इन मिलेट सॉन्ग का नाम है जो कि परफॉर्म किया जाएगा मुंबई बॉर्न सिंगर सॉन्ग राइटर फाल्गुनी शाह द्वारा, और जिसके गाने को लिखा है पीएम मोदी ने खुद। ठीक है, तो इनके साथ को पेन किया है, को राइट किया है। ठीक है, किसने पीएम मोदी ने फाल्गुनी शाह के साथ मिलके। ठीक है, किस पे, मिलेट्स पे। ठीक है, अबंडेंस इन मिलेट्स। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक दो दिन के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।